इसी के साथ हम निकल गए हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत करने के लिए। मतलब मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, इस टाइम पे जनरली मैं ऑफिस ही जाता हूँ, बट आज मैं ऑफिस जा नहीं रहा हूँ। आज सैटरडे है और आज हम किसी और प्लान से जा रहे हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले कुछ सामान लिया गया था तो उसको चेंज कराना है, मतलब वो सही नहीं था तो वो चेंज कराना है। अब वो चेंज कराने के लिए हम जा रहे हैं एक अनोखी सी जगह पे, अब वो है आपका गुड़गांव का एलन मॉल, वहाँ पे जूडियो है, वहीं से लिया था तो वहीं पे जाएंगे चेंज कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। वैरायटी नहीं है तो इस वजह से वहाँ जा रहे हैं। जनकपुरी भी मैं गया था बट जनकपुरी वाला तो बहुत ही वाहिया था। मैंने तो सुना ही था, मैं तो जब जिगली गया था तब गई गुड़गांव वाले में। नहीं, मैं जब मर्फी को लेके गया था जिगली के लिए तब मैं गया, मैंने देखा इतना छोटा सा था और कोई प्राइस का भी ना कोई मतलब इतना मज़ेदार नहीं था, मतलब महंगा ही लगा मेरे को, तो इसलिए मैंने बोला कि ना भैया स्टूडियो से नहीं। बट ये कह रही है कि नहीं स्टूडियो में वहाँ पे वैरायटीज अच्छी हैं। क्यों, टी शर्ट लाई ना आपके लिए, पसंद आई ना? हाँ तो मतलब अच्छी थी तो इसलिए मैं गया, अदरवाइज मैं नहीं जाता। इतना दूर कौन जाता है गुड़गांव, मतलब मैं दिल्ली से गुड़गांव जा रहा हूँ एक टी शर्ट लेने के लिए, जितनी की टी शर्ट में बचाएंगे नहीं उससे ज़्यादा क्या तेल जला देंगे। लेने तो मैं वैसे भी नहीं गई थी, मैं तो गई थी अपने वर्क के लिए ना, बट वहाँ तो देखो वो काम से जाना हुआ और ये हुआ स्पेशली जाना। नो दिस इज नॉट स्पेशली, स्पेशली तब होता जब मैं स्पेशली बाय करने जाती हूँ। तो मैं एक्सचेंज के लिए जा रही हूँ, मैं कुछ जाना लेकिन उस स्टोर पे ही है क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पर जाना पड़ रहा है ना स्पेशली। पढ़ क्या रहा है यार, और हम निकल गए हैं तो आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेस वे भी दिखा दूंगा। ओहो आउटिंग, आउटिंग तो ऐसे भी हो जाएगी, शनिवार है मतलब हम निकल गए भैया। तो हम लोग जो है ना एक्चुअली मैं अभी हम है द्वारका सेक्टर 12 के आसपास, 12 भी या 16 भी ऐसे कुछ लगता है, वो क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है द्वारका एक्सप्रेस वे जो नया बना है, जो अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, वहाँ वो वाला हाईवे पकड़ेंगे। ओ माय गॉड, ये लोग गए थे भैया, अगर किसी को देखना हो तो वो देख सकता है। बाकी भाई मोदी जी ने इनॉग्रेट कराया, खट्टर की इतनी तारीफ करी, अगले दिन खट्टर को चेंज कर दिया। बताओ किसने सोचा था कभी ऐसा हो सकता है, बट मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। बाकी भैया फटाफट से चल रहे हैं और इन रास्तों को क्रॉस करते हुए, मतलब एक नजफगढ़ की तरफ से भी जाता है रास्ता जो एक्सप्रेसवे को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, बट क्या ना कि वो वहाँ उस तरफ ना थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज था तो थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। रियल रास्ता मैं डेली ऑफिस जाता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे तो ट्रैफिक नहीं है तो यहाँ पे मैं आराम से निकल सकता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि यहीं से जाएंगे। या देख रहे हो सब फॉलो कर रहे हैं रूल एंड रेगुलेशन। फिलहाल तो यही वाला है और यही से दिखा रहा है क्या, चल अभी बन ही रहा है, मतलब ये नीचे वाला भी ना कंस्ट्रक्शन पे ही है और सामने वाला तो है ही कंस्ट्रक्शन, जब ये हो जाएगा ना तब से कंस्ट्रक्शन पे है तो मैं क्या लगाऊं। अरे रहने दो बाबा, कुछ और कन कन तकर हो जाएगा। हाँ हमने बोल दिया कन कन तंत्र। इसी के साथ हम सेक्टर 21 के पास से जो है ये फ्लाईओवर जो जहाँ से एक्चुअली शुरू होता है ना वहाँ से हम चढ़ गए हैं, और ये वाला इतना प्यारा बना हुआ है ना, एक ब्लॉग में मैंने और डाला है, मतलब कैप्चर तो किया है बट वो ब्लॉग अभी तक मैंने डाला नहीं है, वो कुछ दिन में डाल ही दूंगा यार मैं, इस वाले ब्लॉग के बाद शायद वो डाल दूंगा। उसमें मैंने इसका नाइट व्यू दिखाया, नाइट व्यू इतना प्यारा लगता है ना देखने में, मजा आ जाएगा देख के। बाकी फिलहाल अभी चल रहे हैं और हमें जाना कहाँ है, गुड़गांव नहीं गुड़गांव जाना है। आप तो उधर ही दिखा रहे हैं यार, गुड़गांव के लिए ये वाला रास्ता है देखो यहाँ पे, ये जो है रास्ता लगा है वो ये दिखा रहे हैं, ये बिजवासन की तरफ जाता है जो नजफगढ़ चला जाएगा और ये जाता है गुड़गांव वाला, सही है ना। अब ये देखो कितना मस्त है ना यार, मतलब प्रॉपर चौड़ी सड़कें हैं, साफ सफाई, लाइटिंग वाइटिंग, जो नाइट व्लॉग है ना वो जो रात में मैंने कैप्चर किया है उसमें देखना, जब मैं ऑफिस आ रहा था इतना ज़बरदस्त लगता है ना देखने में आगे जाके। हालांकि एक टोल का प्रावधान भी इन्होंने बनाया तो वो टोल भी जल्दी ही बन जाएगा। वीडियो जाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या मस्त लग रहा है देखने में यार, यहाँ से वहाँ तक एकदम ज़बरदस्त
लोग इसी पे रॉन्ग भी चल रहे हैं, क्योंकि भाई कई बार कोई गलत चला जाता है और फिर उसको पता रहता है कि भैया यू टर्न तो है नहीं काफ़ी लंबे दूर तक, तो रॉन्ग ही चल लो, फिलहाल इस पे इतना ट्रैफिक नहीं है तो लोग बाग चल भी लेते हैं। अभी तो जब तक कोई कैमरे नहीं लगे हैं, कोई स्पीड वाला कोई ट्रैफिक वाला जब तक खड़ा नहीं हो रहा है, जब तक टोल कलेक्शन नहीं हो रहा था, तब तक इस पे थोड़ा इंसान तेज चल के अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। बाकी ये देख रहे हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को एकदम कनेक्ट करता है एकदम छपाक से, ये है वो टोल वाला सेगमेंट जो आगे चल के यहाँ पे टोल बन जाएगा, फिर लोग टोल दे के निकला करेंगे। जब तक नहीं है तब तक मजे ले लो राजा। वेलकम टू गुरुग्राम। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस रूट पे इस हाईवे पे आप 100 की स्पीड से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोर व्हीलर्स कार। एक्सप्रेस वे पे हीरो होंडा स्प्लेंडर वालों को छोड़ दिया है भाई साहब, वो तो मक्का काप के एकदम चल देंगे एकदम बिल्कुल करते हुए, और उन्होंने कुछ नहीं करना और एक पैर ऊपर रख देंगे। अच्छा मोदी जी की रैली यहाँ शुरू हुई थी तो यहाँ टेम्प्रेरी ऐसा फ्लैग व्लैग टाइप्स का लगा दिया था और अभी तक लगा ही हुआ है। वे तो आप स्लो नहीं कर सकते और भैया बहुत देख के चलाना पड़ता, नहीं तो हो जाएगा चुस्पा। भाई ये भी इन्होंने भी काट लिया था भाई साहब, मतलब कोई भी गाड़ी यहाँ पे मतलब गाड़ी के हिसाब से चला रहे हैं। अगर मैं 120 तक जा रहा हूँ तो भैया जो मेरे से बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे कभी एक स्कॉर्पियो निकली ऐसे तो वो गई होगी पक्का 160 के आसपास में, जबरदस्त। हाँ ये वाला अच्छा बना हुआ है, ये ऐसा मनाली जाते हुए भी एक जगह पड़ता है वो कितना सुंदर लगता है देखने में, ये वाला भी अच्छा लग रहा है देखने में। काम चल ही रहा है छपा छप। हमारे को जहाँ जाना है एलन मॉल और यहाँ से हम कहीं नीचे उतर के फिर यू टर्न काटेंगे और फिर चले आएंगे फटाफट से पहुँच जाएंगे। वेरी नाइस। ओह माय गॉड, बेड के लिए पिच विच यहीं बनी थी भैया जब मोदी जी आए थे इनॉग्रेशन के लिए, अब ये तो आई थी ना इनॉग्रेशन के टाइम पे, तो इसको पता है कि यहाँ पे भाई साहब एरिया तो अच्छा खासा पड़ा था यार, पूरा जंगल था यहाँ पर और मिट्टी से पैर रखो ना पैर से धस जाता था घुटने तक में, इतनी मिट्टी आती वहाँ पर। और अभी देखो कितना सॉल्ट बना दिया, फिल करा के झाड़ियाँ सारी कटवा के और सेटअप वाले ने देखते क्या सेटअप लग ही रहा था, यहाँ पे जंगल भी था यहाँ पे इतना सॉल्ट बना दिया था। अब हम पहुंच गए एलन मॉल, वेरी नाइस। ये बैठे हैं बोले ज्यादा भीड़ आती नहीं है तो कोई टेंशन है नहीं। एलन मिराकल प्लाजा ड्रॉप ऑफ बेसमेंट सर्विस अपॉइंटमेंट्स है तो सही, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, रिशाल ने मुझे बता ही दिया था बट स्टिल जो भी है चलते हैं देखते हैं। ओ देखो यार अभी तो पूरा ही खाली है, पेड़ों में वो लगा रखा है एक्चुअली फ्यूम्स निकलने तो उसमें से हवा निकल, हाँ गर्मियों के लिए सही है यार, लोग वहाँ फोटो वोटो भी खिंचा रहे हैं भाई जबरदस्त। वो तो भाई पानी देख के पागल ही हो जाते फिर दोनों, देख रहे हो कितना सही है ये सब। ओ वाह वेरी नाइस, देखो कितना सही लग रहा है नेल लैशेस स्टूडियो, हमें अपना स्टूडियो दिखेगा, पैंटलून भी खुल जाएगा, इंटीन बाय शॉपर स्टॉप पता नहीं क्या क्या खुलने वाला है भाई यहाँ पे, तो बाकी हमें तो जहाँ जाना है वहाँ चलते हैं भाई साहब। देख रहे हो सामान भर भर के है लड़कियों के लिए, नेल्स की तो पूरी दुकान और यही उठा के ले आए मेरे को लग रहा है भाई साहब, सामान देख रहे हो कितना सारा है, वेरी नाइस। वाह यार देख रहे हो मतलब सामान विथ ट्रायल भी रखा हुआ है, आपको ट्राई करना है ट्राई भी कर सकते हो, दैट्स वेरी नाइस, दिस इज समथिंग जो कि ये लोग कर रहे हैं बहुत लोग नहीं करते हैं। रेट सस्ते हैं लड़कियों के लिए तो सस्ते ही हैं। भाई दो मिनट नहीं हुए झोला भर गया है और अभी वो जो देख रही है बोल रही है ये भी अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है ना, ये ट्राई कर लेते हैं ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने के बाद लेना ही पड़ जाएगा लग रहा है ऐसा। और अभी भी इससे इच्छा खत्म नहीं हुई, अभी भी देखने में लगी हुई है, बोल रहे हो देख लेती हूँ क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, लगी हुई है फुल देखने में। इतनी बड़ी नहीं सैलरी जितना तुम देख रही हो, बढ़िया बढ़िया पहनाते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़े, चलो हो गया ना बस, हाँ ठीक है ट्राई होगा, ट्राई में सब पसंद आ जाएगा फिर सब लेना पड़ जाएगा। ओह माय गुडनेस,
के चांद यार ये सही है ना, 299 में इतनी प्यारी प्यारी टी शर्ट यार कहाँ मिलती है, अब तो विशाल मेगा मार्ट पे भी नहीं मिलती है इतनी प्यारी टी शर्ट है। मतलब मैं तो 299 में देख रहा था, यहाँ तो 199 में भी देख रहा हूँ, ये सब क्या मस्त यार, लड़कियों की तो चांदी है यार यहाँ पे। ओह माय गॉडनेस, बताऊँ ना तो इन जगहों पे ना भाई सैलरी आती है 1-2 तारीख को आ जाओ, उसके बाद आओगे तो क्रेडिट कार्ड का बिल चला जाएगा। अरे ऑप्शंस इतने सारे हैं ना और वैरायटीज विद प्राइस, मतलब 299, 199, 499, 399, 799, 799, और इतने अच्छे अच्छे ना कि मतलब आप बोलो यार ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, अभी ले लेती हूँ फिर आगे नहीं लूँगी, एक दो ट्रिप का ये हो जाएगा, वो ट्रिप का हो जाएगा, उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब यार बहुत अच्छा प्राइस है। तो वाह, ये आए हम अपने वाले सेगमेंट में जहाँ पे क्या मुझे अपनी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वेरी नाइस यार, लड़कों के भी अच्छे ऑप्शन है देख रहे हो, प्राइस भी सही है यार, 799, 399, 299, शूज़ देख लो, मतलब एंकल शूज़ वेरी नाइस है, वेरी नाइस, 199 में टी शर्ट्स मिल रही हैं, लौंडे लगे हुए हैं एकदम कावर तोड़ खींचने में वहाँ से, 149 में बच्चों के लिए मिल रही है, 399। ये ब्लैक सही लग रही है ना यार, मतलब फिटिंग भी ना इतनी सही आई है ना, और लुक भी बहुत सॉलिड लग रही है, सारे ट्राई करने हैं मुझे, अच्छी वैरायटीज हैं मतलब लड़कों के लिए भी ना, मतलब डिज़ाइनर शर्ट्स से लेके प्रिंटेड वाली टी शर्ट्स एंड ऑल दैट, ट्राउजर्स, कार्गो, सब कुछ है यार, मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब कि मुझे अभी फ़िलहाल जितना लेना था मैंने ले लिया, अदरवाइज मतलब मन तो नहीं भरा बट हाँ मतलब इतना ही ले सकते थे फिलहाल, कभी फ्यूचर में आऊँगा ना तो ऐसे स्ट्रेट फिट वाली ना मेरी जीन्स लेने का बड़ा मन है, स्ट्रेट फिट मतलब थोड़ी सी नीचे से थोड़ी सी ना चौड़ी हो वाली, कभी और ले जाऊंगा, बट प्राइसेस इज गुड, मतलब जिस प्राइस में मिल रहा है 499, 299, 699, विच इज़ गुड, बाकी देखते हैं फ्यूचर में। देखो 199 की टी शर्ट यार, वो भी प्रिंटेड में, कद्दू नहीं मिलती कभी, मिल रही है तो अच्छी बात है, लगे हुए फटाफट से भैया बिल करने में, बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी कर लो इससे पहले कि इसको कुछ और चीज़ें पसंद आए और फिर मुझे इसमें एडिशन हो जाए। मॉर्निंग में सुबह भैया बता रहे 11 बजे खुल जाता है, देखते हैं कितना बिल आता है हमारा, भैया कह रहे 3,094, 3,095। भैया एक मिनट रुक जाओ, ये भी है, ये सब भी, कौन सा हल अच्छी है तो ये ले लो, 95 में और ऐड कर दो भैया, कितना हो गया भैया आपका, 3,900। अच्छा बट अभी 800 रुपये उसमें कट जाएंगे ना, ये भी काट देंगे, हाँ ठीक है तब सही है, 4,000 रुपये का फटका घप से। फाइनली हम लोग जूडियो में 3,200 रुपये की शॉपिंग करके अब घर जा रहे हैं, एक एक्सचेंज कराने आए थे और 3,200 रुपये, हाँ मतलब एक एक्सचेंज कराया तो अलग बात है, नहीं तो सॉरी फिर ये लग गया था मोटा खर्चा, बाकी अंधेरा हो गया क्या, घर नहीं ढूंढ पाएंगे मम्मी, घर भूल जाएंगे पागो। मॉल देख रहे हो, वैसे कुछ बना नहीं है, सब खाली पड़ा है, बस एक जूडियो ही जो है जो चल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई, ये सब है अल्टीमेट, बाकी लोग बाग अब आ रहे हैं, नीचे फाउंटेन शो भी चल रहा है यार, दैट्स वेरी नाइस है ना, लग रहा है देख रहे हो कितनी अच्छी सी लग रही है, ये वेरी नाइस, अच्छा ओ माय गॉड, अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ दिखती नहीं है, खाली खाली सा अच्छा है, इतना सही लगता है, हाँ मतलब इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आगे भाई साहब एक्सप्रेसवे की लाइटिंग तो हो गई है, तब मज़ा आएगा जाने में यहाँ से। लैंड मॉल लग गई थी, लैंड मॉल से निकलते ही हमने ब्रेड पकौड़ा ले लिया भैया से, ये तो खाने में लग गई, फटाफट से घर चलते हैं भैया, मम्मी को बोला था 1 घंटे में आ जाएंगे, 1 घंटे तो हमने शॉपिंग करने में लगा दिए, भागो भागो, ये गोल चक्कर है, ये गोल चक्कर से घर के लिए जाए, नहीं नहीं अपना लगा लो, सॉरी लग रहा है, भागो, यहाँ तो सब चल रहे ताबड़तोड़ स्पीड से भाई साहब, इतना सुंदर लग रहा है, क्या जबरदस्त है, बाहर से दिखाता हूँ, वेलकम टू दिल्ली, टोल प्लाजा क्रॉस करके बिना टोल दिए, कुछ दिन में इस पे टोल लगेगा पर इधर से नहीं आएंगे। अब पहुंच गए हम अपने द्वारका वाली लाइन में, अब पता लग रहा है रास्ते का, एक्सप्रेसवे तो भाई इतना अल्टीमेट बनाया हुआ है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ से
उसे कहाँ से निकले, कितनी जल्दी रास्ता कट जाता है ना, नो डाउट वो है सुपर फास्ट है। चुप देख रहे हो। इसी के साथ भाई फाइनली हम घर पहुंच गए। मर्फी फुल लगा हुआ है, फुल लगा हुआ है, तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इट वाज नाइस, मतलब द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा बना है और ज़्यादा टोल नहीं लग रहा था तो बहुत अच्छा लगा मेरे को चलाने में। वहाँ पे स्पीड भी अच्छी है, 100 की स्पीड दे रखी है, इट्स गुड। बाकी तो भाई गुड़गांव जाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे पकड़ के, नो डाउट। गाड़ी एकदम साए साए निकलती है उसमें से। बाकी यही है कि जूडियो वॉज नाइस, मतलब वो वाला आउटलेट अगर आप देखो तो उसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं, प्राइस रेंज भी अच्छा है उस पर, तो आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना, कम खर्चे में आप ज़्यादा चीज़ें अच्छी ले सकते हो। एक्चुअली में गर्मियों के लिए भी अच्छे ऑप्शंस हैं, तो वो सब ले सकते हो। बाकी आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल द टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। हम चले वृंदावन, जय राधे राधे।